हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय एन एकेडमी। आई एम आदित्य चौहान और आज हम आ गए हैं जेईई 2024 मेंस के एग्जाम सेंटर नागली पूनिया दिल्ली में। यहां हम बात करेंगे कुछ एस्पिरेंट्स के साथ और जानेंगे कि इस साल का एग्ज़ाम उनका कैसा गया, और ऑल्सो हम ये भी जानेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले ये पेपर कितना टफर था या कंपैरेटिवली ईजियर। तो चलिए आइए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तेजस्वी गिरधर है। आज हमारा जेई का फर्स्ट शिफ्ट था। मेरा नाम हिमांक है और मैं अभी जस्ट जेई का पेपर दिया है 2024 27th January मॉर्निंग शिफ्ट। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, देवांश दिस साइड एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस शिफ्ट 1। हेलो एवरीवन, आई एम मेहुल गुप्ता। आई जस्ट अपीयर्ड फॉर माय शिफ्ट 1 जेई एग्जामिनेशन टुडे। मेरा नाम भरत गोयल है। मैंने आज जेई का एग्जाम दिया 27 तारीख शिफ्ट 1। हाय, आई एम अंकिता। बेसिकली आज मैंने अपना जेई का एग्जाम दिया है, एग्जाम काफी अच्छा हुआ। हाय, आई एम वंश दुआ। आई एम गिविंग द जेई मींस आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। नेम इज अनवेश मिश्रा। आई जस्ट गेव 27th जैन शिफ्ट 1 जेई मेन। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और मैं एक ड्रॉपर हूँ और मैंने अभी 9th से 12th जेई मेन्स का एग्जाम दिया है। मेरा नाम अदिति है, अभी मैंने जेई मेन्स का एग्जाम दिया है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और मैं एक ड्रॉपर हूँ और मैंने अभी 9th से 12th जेई मेन्स शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया है। तो जो हम लेवल की बात करेंगे, आज जो फिजिक्स का लेवल था वो एक्सपेक्टेडली लो आया था, जो कि हमें बताया गया था न्यूज़ में कि मॉडरेट टू हाई आएगा, बट फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन थे 11th और 12th के, और काइनेमैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था। सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ही आए थे सारे क्वेश्चन। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक का लेवल मॉडरेट टू बहुत ईजी आया था। इनऑर्गेनिक के बहुत कम क्वेश्चन आए हुए थे इस बार जितने एक्सपेक्टेड थे, एंड फिजिकल केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट टू हाई लेवल। पेपर कंपैरेटिवली पिछले साल से तो इजी था, केमिस्ट्री इजी था, बाकी फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा सा टफ था। फिजिक्स कंपैरेटिवली जैसा होता है वैसा ही है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को लगा कि पेपर थोड़ा टफ होगा, लेकिन जो पढ़ रखा था वही था। केमिस्ट्री सेक्शन इजी था, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। फिजिक्स वेरी गुड, वो भी सारे अटेम्प्ट हो गए। मैथ्स मैंने सोचा था कि ईजी आएगा, बट हार्ड था थोड़ा सा, बट मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए। अनएक्सपेक्टेड थिंग ये थी कि पेपर इजी था, जो मैंने सोचा नहीं था। बस एग्जाम अच्छा था, डिफिकल्टी मॉडरेट की साइड पे थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाज ऑन अ इजीियर पार्ट और मैथ्स हमेशा की तरह टफ था। एग्जाम अच्छा गया ओवरऑल, बट मैथ्स इस साल इजी आई थी बाकी टाइम के मुकाबले, एंड इस बार पेपर में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे कंपैरेटिवली। इट वाज अ प्रीटी इजी पेपर कंपेयर्ड टू आई गिव 15 मॉक टेस्ट बिफोर द जेईई मेन एंड टू प्रीवियस इयर्स। It was much easier than that, so I would expect the cutoff to be very high. Chemistry में especially, organic chemistry बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी physical chemistry comparison में। I think physical chemistry की मुश्किल से मैंने 5 से 6 question देखे। Maths में coordinate geometry का unusually high weightage था, और physics काफ़ी theoretical पूछी गई थी। And that's my overview basically. Exam अच्छा था, chemistry का exam बहुत अच्छा गया, और math भी easy था और physics भी easy था। ये बढ़िया है। एग्जाम वॉज गुड, बट द मैथ्स पार्ट वॉज लिटल बिट डिफिकल्ट, और फिजिक्स थोड़ी ईजी थी। मतलब फिजिक्स मॉडरेट लेवल की थी और केमिस्ट्री ईजी थी। डिफिकल्टी वॉज मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, एंड केमिस्ट्री वॉज ऑन द ईजियर साइड। मतलब मैथ्स वाला सेक्शन डिफिकल्ट था, और फिजिक्स वाला मैं कहूँगा मॉडरेट था, और केमिस्ट्री वाला आसान था। और सबसे ईजी सेक्शन मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, और फिजिक्स भी काफ़ी ठीक है। बेसिकली मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता, फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होता। केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, बट पेपर के हिसाब से वो भी अच्छी है। एनटी ने अपना स्टैंडर्ड प्रूव किया है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, बट हमने अगर पढ़ाया तो हम कर सकते हैं। एंड टुडे द एग्जाम वाज पार्शियली इजी एंड पार्शियली हार्ड, एंड जो फिजिक्स थी और जो केमिस्ट्री थी और जो मैथमेटिक्स थी, तो मतलब कि मैथमेटिक्स तो टफ ही था, पर लेकिन कुछ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट था। डायरेक्ट मतलब कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। पेपर डिफिकल्ट तो नहीं था, बट मैथ्स थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, और फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी थी। तो जैसे मैंने जी मेन्स का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे देख के पता चला कि जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं अपने कोचिंग में, उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी पेपर आया था। और केमिस्ट्री का सेक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, और मैथ्स का थोड़ा टफ था, बट इतना भी नहीं कि हाँ मैं सॉल्व ना कर पाऊँ। मेरा एग्ज़ाम ठीक हुआ, एग्ज़ाम प्रॉबेबली अच्छा गया है, एंड आई हैव अटेम्प्टेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज
इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कि इस बार फिजिक्स अटेम्प्ट अच्छा हो गया, कि हमें एक्सपेक्टेड था कि बहुत हाई लेवल आ सकता है, बट फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हो रहे थे एंड 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके से फार्मूला बेस्ड थे। इनविगेटर मतलब सब बिहेवियर सब कुछ ठीक था, मतलब मेरे को सब कुछ ठीक ही लगा। फिजिक्स एग्जामिनेशन में सेटिस्फेक्शन वाज लाइक पेपर मॉडरेट आया था, इसलिए थोड़ा सा एक रिलैक्स पोर्शन वही था, और उसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस काफी इजीयर थे, सो दैट सेटिस्फाइड। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया मैं, बिकॉज़ वीक चैप्टर से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ गए एंड बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स थे, लाइक 2t² + 4, फिर था डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन एंड फिर वेलोसिटी पूछा, दैट वाज द लेवल बेसिकली। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे कुछ टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ रखे थे और कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही कवर्ड नहीं थे, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जैसे कि सीक्वेंस सीरीज थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, एसी था, मॉडर्न फिजिक्स था, इन सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सबसे चैलेंजिंग मैथ्स ही रहते नॉर्मली क्योंकि उसके क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और कैलकुलेटिव आते हैं। मैथ्स मोस्टली सारे किए थे, मैथ्स में कुछ छोड़ दिए थे मैंने क्योंकि थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम मोस्टली मैट्रिक्स के ही क्वेश्चंस का कैलकुलेटिव होते हैं। चैलेंजिंग पार्ट तो आई थिंक मैथ्स ही रहता है हमेशा से पेपर का, तो मैथ्स ही था। सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा बस। नहीं जिनमें जैसे कि नेगेटिव मार्किंग थी तो मैंने जिन क्वेश्चन में डाउट था वो नहीं अटेम्प्ट किए। सारी सेक्शन मतलब केमिस्ट्री के तो कर लिए, मैथ्स के थोड़ा टफ था तो पूरा नहीं कर पाया, और फिजिक्स के भी कुछ रह गए। नहीं ज़्यादा मतलब मैंने सिलेक्टिव भी क्वेश्चन अटेंड किए, सारे क्वेश्चन ही अराउंड 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, मैथ्स के थोड़े बहुत छोड़ने पड़े एंड अदर देन दैट ठीक किया। नहीं मैंने मैथ्स में क्वेश्चन छोड़े बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि कर सकते हैं, मतलब मैंने भी 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बस है कि अच्छा स्कोर आ जाए तो एडवांस कर एडवांस हो जाना चाहिए क्लियर। अभी तो नहीं अभी तो कुछ नहीं है, बस अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। आफ्टर द एग्जाम अभी तो कोई इमीडिएट प्लान नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड्स। बस माय नेक्स्ट एग्जाम इज ऑफ एनडीए, तो मुझे एनडीए की प्रिपरेशन करनी है एंड बोर्ड्स है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन अब फिर उसके बाद अभी जेईई मेंस सेशन 2 होगा, फिर उसके बाद अगर उसमें हो पाता है तो जेईई एडवांस, फिर अभी तो यही है बस। I guess work on the stamina के 3 घंटे same energy से खड़े question कर पाऊँ। अभी एक दिन मैं chill करूँगा दोस्तों के साथ, उसके बाद practical की पढ़ाई और फिर advanced और कुछ नहीं। अभी तो घर पे जाके थोड़ा relax करूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। इसके बाद मैं board exam की preparation करूँगी, फिर उसके बाद JEE का जो session 2 का exam होगा उसकी preparation करूँगी। लास्ट ईयर जैसा ही था पेपर बिल्कुल भी, और फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस वाली ज़्यादा थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, नहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप तो नहीं हुआ इसमें, सब नॉर्मल था। मेरे को तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी वीक है और वो थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नहीं कोई भी बल्कि ईजी था 2023 से। ओ बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी बहुत ज़्यादा मैथ्स में, और मैथ्स में एक क्वेश्चन वेक्टर्स का, बाकी सारे लोगों से पूछा, मेरे हिसाब से बोनस है आई एम नॉट श्योर येट, बट उसका आंसर कुछ और ही आ रहा था इवन आफ्टर सॉल्विंग इट ट्वाइस। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सेम पैटर्न था जैसा पहले रहा है वैसे ही था एग्जाम का पैटर्न। टाइम मैनेजमेंट हो गया था बिकॉज सी आई वुड लाइक टू से फॉर टू एवरी स्टूडेंट हु विल बी अपीयरिंग कि सबसे पहले आप फिजिक्स या केमिस्ट्री उठाएं विच एवर इज स्ट्रॉन्गर, बिकॉज मैथ्स थोड़ा टफ आता है, और अगर आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट है और वो ईजी आया है तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपके लिए। हाँ मतलब जो जो मेरे को आते थे मैंने एक बार सारे क्वेश्चन का गो थ्रू करा था, उसके बाद जो जो मेरे को आते थे सारे मेरे आराम से हो गए। 50 मिनट्स अराउंड फिजिक्स में, 35 मिनट्स केमिस्ट्री एंड 1 आवर अराउंड 1 आवर इन मैथ्स। और आपने टाइम कैसे मैनेज किया, सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाए? हाँ क्वेश्चन सारे एक बार रीड सारे किए, ट्राई भी सब पे किया, और जितने बेसिकली मुझे आते थे वो सब अटेम्प्ट भी कर दिए। हाँ हो गया था, वेल नहीं कर पाया टाइम मैनेज, बस जितना करा होता सही से गया था।
मैथ्स के लिए ऐसे क्वेश्चन थे जिनके लिए मैं बेटर प्रिपेयर कर सकता था. मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इट वॉज ऑन द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ. मैथमेटिक्स के लिए जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके अंदर आपसे बिल्कुल एनसीईआरटी के बिल्कुल डायरेक्ट करके गए थे, जो लोग छोड़ के जाते हैं प्रोबेबिलिटी वो एक बार जरूर करके जाए. और केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला करके चल जाए तो भी सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट. वो एक फील तो रहती है अंदर की और बेटर हो सकता था, बट बाकी देखते हैं. अटेम्प्ट तो अच्छा करके आए अपनी तरफ से, ठीक ही हुआ. बहुत गंदा.